स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो ये था कंपोनेंट्स दैट आर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट. ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा होता है? जो एक्सपेंडिचर आपका फिक्स्ड फैक्टर्स पे स्पेंड होता है. और वेरिएबल कॉस्ट कौन सा होता है? जो एक्सपेंडिचर आपके वेरिएबल फैक्टर्स पे होता है. ठीक है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, ये आप समझ गए. टोटल कॉस्ट जो होगा किसी भी प्रोडक्शन का वो इक्वल टू होता है जितना भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनकर होता है, इसका समेशन. अब हम समझ लेते हैं व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स. प्रोड्यूसर द्वारा जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उन पे जो एक्सपेंडिचर इनकर किया गया, दैट आर कॉल्ड योर फिक्स्ड कॉस्ट. इट डज नॉट चेंज विद इन द चेंज ऑफ वॉल्यूम. मतलब कि वॉल्यूम के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, ये फिक्स्ड हैं, रिमेन कॉन्स्टेंट. ठीक है, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहते हैं, चाहे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या ज़ीरो हो, ज़ीरो पे भी रहेगा. क्यों रहता है फिक्स्ड कॉस्ट ज़ीरो पे भी? क्योंकि अगर आपने कोई मशीन लाए हैं, ठीक है, और आपको वहाँ पर मान लीजिए आपको गारमेंट्स का प्रोडक्शन करना है, तो अब उसके बाद जो लेबर लगा रहे हैं वो वेरिएबल कॉस्ट है. मशीन तो आपका वेरिएबल कॉस्ट है नहीं, मशीन तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है. अब उसको या तो आपने ख़रीदा है या उसको रेंट पे लाया है. ठीक है, आज भले आपने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया, आज आपने ज़ीरो प्रोडक्शन किया, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट आपका ज़ीरो था, लेकिन मशीन आपने ला के रखा है, उसका रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा ना. सो दिस इज़ योर फिक्स्ड कॉस्ट. कि आउटपुट आपका रहे या ना रहे, फिक्स्ड कॉस्ट आपका रहेगा वहाँ पर. फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो इनकर्ड वेन आउटपुट इज ज़ीरो. बिकॉज इफ अ मशीन इज हायर्ड फॉर वन डे बट नो प्रोडक्शन इज मेड, देन ऑल्सो द रेंट हैज़ टू बी पेड फॉर द मशीन. ये मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है कि आपको ये समझ में आ जाए. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट और ओवर हेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. इसको एकदम अच्छे से याद रखना. जो ओवरहेड कॉस्ट होगा, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, सप्लीमेंट्री कॉस्ट होगा, दीज आर अनदर नेम फॉर योर फिक्स्ड कॉस्ट. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट किसके क्या क्या होते हैं कंपोनेंट्स? एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड प्लांट, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लाइसेंस फी, वेजेस एंड सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ. ये सारे आपके जो होते हैं ये फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं. डायग्रामेटिक एक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए ये आपके यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका वैसे का वैसा ही रहता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ ना तो ये इंक्रीज करता है ना ये डिक्रीज करता है. ज़ीरो पे भी फिक्स्ड कॉस्ट उतना रहेगा, वन पे भी उतना ही रहेगा. कितने भी आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर लीजिए शॉर्ट रन में, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो आपका है वो रिमेन कॉन्स्टेंट. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन. और इसका अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो ऐसा बनता है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आप डिपेक्ट कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आप आउटपुट दिखा रहे हैं, और जो टीएफसी कर्व होता है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपका रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है. नेक्स्ट हम आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे. व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. वेरिएबल जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उन पे जो कॉस्ट इनकर करते हैं प्रोड्यूसर, दैट आर कॉल्ड योर वेरिएबल कॉस्ट. ओके, दीज कॉस्ट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. जैसे जैसे वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं आउटपुट के, वैसे वैसे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता रहता है. विद इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट दीज कॉस्ट इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा.
मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा आउटपुट का, वैसे वैसे कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिक्रीज होता है तो जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो भी डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप ज़्यादा लेबर लगाएंगे, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, अगर आप ज़्यादा लेबर लगा रहे हैं ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के लिए, तो वो ज़्यादा जो लेबर लगाए हैं वो और ज़्यादा उनको आपको वेजेस देना पड़ेगा, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट ऐसे बढ़ जाएगा। और अगर आपने लेबर को हटा दिया है अपना जो आउटपुट है उसको डिक्रीज करने के लिए, तो जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे थे वेजेस का उन लेबर्स को, वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपका वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट हो जाएगा। कॉम्पोनेंट अब हम देख लेते हैं, व्हाट आर द कॉम्पोनेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वियर एंड टियर एक्सपेंसेस, ये सब वेरिएबल कॉस्ट क्यों है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आज चाहिए कल नहीं चाहिए ये फिक्स तो है नहीं, ज़रूरत के हिसाब से मंगाएंगे, इनकी रेशियो जो है वो चेंज होती रहती है। वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, आज हमें ज़रूरत है वर्कर की, हमने बुला लिया, नहीं ज़रूरत है, नहीं बुलाया, कभी दो बुला लिए, कभी चार बुला लिए, तो इनका फिक्स नहीं होता है। दीज आर वेरिएबल फैक्टर्स, तो इनके ऊपर जो वेजेस देते हैं दैट आर कॉज योर वेरिएबल कॉस्ट। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इट डिपेंड्स कि आप कितने देर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो भी बार बार वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। एंड वियर एंड टियर एक्सपेंसेस, नाउ इफ वी गो थ्रू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट्स ऑफ आउटपुट आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और टीवीसी आप देख रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। इट शोज व्हेन आउटपुट इज जीरो, टीवीसी इज आल्सो जीरो एंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट। क्या दिखाता है? कि जब आउटपुट आपका ज़ीरो होता है तो टीवीसी भी आपका ज़ीरो होता है, और जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट आपकी इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका टीवीसी जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो भी इंक्रीज होता जाता है। अगर आप ये देखें टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका ऐसे यहाँ पर इस तरीके से बनता है, ये है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऐसा होगा। नाउ बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट एंड द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व एज द एग्रीगेट ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी कर्व्स। ठीक है, मतलब टीएफसी और टीवीसी जब दिया है तो उसका जो समेशन होगा वो टीसी कर्व कैसे बनता है। अभी हम पहले एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। आउटपुट हमें दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एफसी हमें दिया है फैक्टर कॉस्ट सारे 10, वेरिएबल कॉस्ट 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38। टोटल कॉस्ट हमारा क्या हुआ? 10 प्लस 0, 10। टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया था, फैक्टर कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके आपका निकलता है टोटल कॉस्ट, तो आप ऐड करते जाएंगे 10 प्लस 0 इज़ 10, 10 प्लस 10 इज़ 20, 10 प्लस 18 इज़ 28, 10 प्लस 24 इज़ 34, 10 प्लस 28 इज़ 38, 10 प्लस 32 इज़ 42, 10 प्लस 38 इज़ 48। ये आपने निकाल लिया यहाँ पे टोटल कॉस्ट। ठीक है, नाउ एफसी इज़ फिक्स्ड विद इंक्रीज इन आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस। ये आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ पे समझ में आ रहा है कि फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे फिक्स्ड है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से टीसी पे आपके एक इन्फ्लुएंस आता है। ऐसे बनता है आपका टोटल कॉस्ट कर्व। टीएफसी आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल। टीएफसी जो है वो यहाँ से आएगा कि जीरो जब आउटपुट होगा तो वो ज़ीरो होगा, इसलिए वो यहाँ से स्टार्ट होता। टीसी यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ? आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ आउटपुट भले ज़ीरो रहे, टीएफसी जो है फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो कुछ ना कुछ होता ही है, इसी वजह से जो टीसी कर्व है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वही आपका पहले रेंज पर आपका टोटल कॉस्ट होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट तो ज़ीरो होता है जब ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट होता है, ये रीज़न है कि टोटल कर्व आपका यहाँ से स्टार्ट होता है।
TFC shows total fixed cost, TVC shows total variable cost, and TC shows your aggregate of TFC and TVC. Now, TC begins above TVC at TFC because at zero level of output, the TFC is present, which is aggregate to TC. ठीक है? यहाँ पर TC यहाँ से क्यों start हुआ? क्योंकि TFC is aggregate to TC. जहाँ पर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी TFC आपका प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ से आपका TC स्टार्ट हुआ है. नेक्स्ट, आगे हम बढ़ते हैं. व्हाट इज एवरेज कॉस्ट AC एंड द शेप ऑफ AC कर्व. ठीक है, एवरेज कॉस्ट अब हम कैसे निकालते हैं और एवरेज कॉस्ट होता क्या है? तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट. ठीक है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे जो कॉस्ट इंकर किया गया है, दैट इज कॉल्ड योर एवरेज कॉस्ट. इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि AC इक्वल्स टू TC बाई क्यू, वेयर AC इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, TC इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट एंड Q इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. ठीक है, AC जो होता है वो आपका एवरेज कॉस्ट होता है, TC आपका टोटल कॉस्ट होता है और Q जो है वो आपका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होता है. तो एक टेबल से हम ये AC को निकाल के बताते हैं कैसे हमारा होता है. ये आउटपुट आपको दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल कॉस्ट आपको दिया है 10, 20, 28, 34, 38, 42, 48. एवरेज कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे? 10 divided by 0 = infinity. 20 divided by 1, टोटल कॉस्ट अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट, तो 20 upon 1, सो इट इज 20. नेक्स्ट है 28, आपका टोटल कॉस्ट है और आउटपुट आपका निकला है 2. तो पर हेड कितना आपका कॉस्ट गया एवरेज कॉस्ट? 28 by 2 is 40. देन हम निकालते हैं 34 divided by 3, दैट इक्वल्स टू 11.3. 38 upon 4 is 9.5. 42 upon 5 is 8.4. आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आता है तो मैं एक बार फिर समझा देती हूँ कि आउटपुट आपको दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल कॉस्ट आपको दिया गया है 10, 20, 28, 34, 38, 42, 48. एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट जितना निकला है उस पे जो पर यूनिट कॉस्ट जो है, जब आप उसको निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड योर एवरेज कॉस्ट. और एवरेज का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा है. हम कैसे निकालते हैं कि जब हमें एवरेज निकालना होता है तो टोटल बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देते हैं. जब हम लोग को मार्क्स निकालने होते हैं अपना, कि हमें अपना एवरेज मार्क्स निकालना, हम क्या करते हैं? सारे सब्जेक्ट्स के हमने मार्क्स जोड़ लिए, वो हमारे टोटल मार्क्स हो गए. और उस टोटल मार्क्स से नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अगर हमारे जितने हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज रिजल्ट निकल आता है. वैसे ही आपको यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है उससे आपको निकालना है अपना एवरेज कॉस्ट. कैसे करेंगे? टोटल कॉस्ट दिया है आपको 10, आउटपुट आपको दिया है 0. 10 divided by 0 is infinity. 20 divided by 1 is 20. 28 divided by 2 is 14. 34 divided by 3 is 11.3. 38 divided by 4 is 9.5. and 42 divided by 5 is 8.4. 48 divided by 6 is 8. ऐसे आपका ये पूरा निकल जाता है यहाँ पे एवरेज कॉस्ट. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉम्पोनेंट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट. फिक्स्ड और वेरिएबल कॉम्पोनेंट जो एवरेज कॉस्ट है हम उसको देख लेते हैं. एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट जो होता है वो आपका टोटल होता है एवरेज ऑफ योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज ऑफ योर वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा. जैसे TFC मतलब फैक्टर कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपको अच्छे से याद है. T है मतलब टोटल, A है मतलब एवरेज, और रेशियो आपका वही चलता है जैसे कि आप TC निकालते थे तो आपने क्या किया था? TVC plus TFC. अब वैसे ही आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है. एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? AFC plus ABC, जहाँ पर AC equals to your average cost,
AFC इक्वल्स टू आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड AVC इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एक बार हम आज फिर देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। एक बार क्विक रिवीजन, कंपोनेंट पढ़ लिए हमने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के। TC क्या होता है? TFC प्लस TVC होता है। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा होता है? एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड फैक्टर्स पे इनकर किया जाता है जो कि पैरेलल होता है आपके एक्स एक्सिस से। वेरिएबल कॉस्ट कौन सा होता है? जो वेरिएबल फैक्टर्स पे इनकर किया जाता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे जाता है, ठीक है। एफ सी और वी सी को आप ऐड करेंगे तो आपका निकलता है यहाँ पे टी सी। और रिलेशनशिप अगर आप देखें तो ऐसे इस्टेब्लिश होता है कि टी एफ सी ऐसे जो आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बाई आप टी वी सी आपका स्टार्ट होता है जीरो से और टी सी आपका एग्रीगेट स्टार्ट होता है टी एफ सी से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, हमने उसका कैलकुलेशन भी किया एंड देन वी हैड अ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। इस टॉपिक को हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे।